अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल बनाना मिल्क शेक, जो कि ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी बहुत ही शौक से पियेंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं एक ग्लास बनाना शेक बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ दो बनाना यूज़ कर रही हूँ और चार से पाँच जो हैं वो मैंने खजूरें ली हैं और कुछ ड्राई फ्रूट मैंने लिए हैं, जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता जो हैं उनका मैंने पाउडर बना लिया है, जिसमें मैं शामिल करूँगी। और सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप दूध शामिल करने के बाद जो अपने बनाना थे उनको कट करके डाल दिया है, ताकि उनको ब्लेंड करने में आसानी हो और अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। और अब इसमें जो है वो मैं खजूरें शामिल करूंगी, जो कि हमने बारीक काट ली थी, ताकि वो भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और अब ड्राई फ्रूट का जो है वो पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है जो कि हम गार्निश में यूज़ करेंगे। और अब इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून मैं फ्रेश मिल्क क्रीम यूज़ करने लगी हूँ। ये मैं घर की मिल्क क्रीम है, अगर आपके पास घर की ना हो तो बाज़ार की यूज़ कर सकते हैं। और शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर ले। और अब हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। और बात की जाए अगर बनाना के बेनिफिट्स के बारे में, तो 75% वाटर होता है इसमें, 89% इसमें कैलोरीज होती हैं और 0.3 ग्राम्स जो है वो इसमें फैट पाया जाता है, और 14.6 ग्राम्स इसमें शुगर और फाइबर पाया जाता है। और हमारा बनाना शेक अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको जो है वो ग्लास में जो है वो पॉर कर देंगे, डाल देंगे। और अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अब हम इसके ऊपर जो है वो कोकोनट पाउडर डाल रहे हैं गार्निश के लिए। सबसे पहले हमने कोकोनट पाउडर डाला, अब हमने ड्राई फ्रूट जो है हमारे पास जो थे काजू, बादाम और पिस्ता, उसका पाउडर हमने इसके ऊपर डाल दिया। और लास्ट पे जो है हम कुछ जो खजूरें थी हमारे पास उनके चंक्स डाल देंगे। और अब हमारा स्पेशल बनाना मिल्क शेक रेडी हो चुका है। और अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कम्प्लीट वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।